हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा नाम है छाया प्रतिभा खेलवा, आप लोगों के बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूँ आपके अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस पर। तो बच्चों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छी ही चल रही होगी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी सारे खत्म हो चुके हैं। मुझे भी पता है क्योंकि आज मेरा भी लास्ट था भाई, क्योंकि एक्सटर्नल के सामने थोड़ा सा तो डर लगता ही है, सबको पता ही है। ठीक है, तो आज हमारा भी प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो गया और ये भी हम देख रहे हैं कि कक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम सारे खत्म हो चुके हैं और सभी के अच्छे ही आए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है सबका अच्छा ही बना होगा। तो आज के लेक्चर में बेटा हम याद करो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ है। हम पढ़े हुए हैं हमारा जो 3 यूनिट का, यानी कि यूनिट 3 का 1 अंक वाला सारा प्रश्न खत्म हो चुका। आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 का ही 2 अंक वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं उस पर हम बात करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी मैं 1 और 2 अंक के बारे में जब भी बात करती हूँ तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि वही आ जाए पेपर में। तो फोकस ये लेकर के चलो, इस टाइप से ही, जरूरी नहीं बोल रही हूं कि यही आ जाए, लेकिन इस टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ये चीज को दिमाग में बैठा करके रखना। ठीक है, तो चलिए भाई मैं देर नहीं करूंगी क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते चली जाती हूँ, थोड़ा कुछ ज्यादा ही बह जाती हूँ। ठीक है, आप लोग को बहना नहीं, अब यही आ जाओ वापिस से मेरे साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से, 3rd यूनिट का जो पहला हमारा प्रश्न है, जो पूछा उसका आंसर लिखना है, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, एक चीज और, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन रखी हुई हूँ यो ध्यान देना, वो 2 अंक का भी प्रश्न बनता है और 3 अंक का भी प्रश्न बनता है। ठीक है, क्योंकि डीसीएस वाले हैं, सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर है, खाद्य नीति है, कार्य नीति, तो यहाँ से 2 और 3 अंक को कुछ जो प्रश्न है वो उसी तरीके से घुमा के पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में एकदम खोल के बैठा करके रख लेना। ठीक है, कि जो आज मैं बताऊंगी वो 2 और 3 दोनों में आने लायक है। ठीक है, चलिए अब क्या है यहां पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या पूछा भाई? पूछ दिया बेटा कि मानव में होने वाले कोई 2 कृमि जनित रोगों के नाम लिखो, यानी कि कृमि से होने वाले कौन कौन से ऐसे रोग हैं उनके नामों के बारे में पूछा है। ठीक है भाई, पूछा तो नाम तो पूछ ही लिया, अब उसके साथ साथ क्या डालो, उसके बोल रहे हैं उसके रोग कारक के नाम को भी डालो। मतलब यहां से सीधा सीधा ये हो गया कि देखो, पूछा यहां पर ध्यान देना 2 पूछा है, लेकिन मैं यहां पर, आप देख रहे होगे कि मैं यहां पर 3 रखी हुई हूँ। क्यों रखी हूँ? क्योंकि पूछा तो 2 है ना। तो ध्यान देना बेटा, किसी साल के एक क्वेश्चन पेपर में जब देख रही थी उसमें इसके बारे में भी नोट है, इसके बारे में भी नोट है। ठीक है, नोट ऐसा है कि 3 दे दिया, यानी कि 5 अंक भी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। कैसे? सीधा सीधा पूछ देगा भाई कि कृमि जनित रोगों के नाम, उसके कारक, उसके लक्षण। ठीक है, नाम तो देगा ही, साथ में क्या बोलेगा, उसके कारक को भी लिखो, रोग कारक को भी, उसके लक्षण को भी लिखो और उसके उपचार को भी लिखो। अब जब ऐसा प्रश्न बनता है बेटा तो सीधी सीधी बात है, ये कहां से बनते हैं? 5 अंक के लायक होते हैं। ठीक है, तो 5 अंक का, हालांकि मैं पूरा डिटेल बताऊंगी कि कौन कौन सा प्रश्न है जो 5 अंक का आया हुआ है, कैसे लिखना है, वो सारा चीज दिखाऊंगी। अभी हम फोकस करेंगे किसके ऊपर? 2 अंक के प्रश्न के ऊपर। तो 2021 का सेट ए है, तो ध्यान रखें 2 कृमि जनित रोगों के नाम क्या क्या है भाई। तो पहला क्या लिखा है ध्यान देंगे, पहला जो है फाइलेरियासिस, फाइलेरिया बहुत सुना होगा ना, हाथी पाओ। जब मैं स्कूल टाइम में हुआ करती थी, हम लोग को एक दवाई मेडिसिन दिया करते थे फाइलेरिया के लिए। ठीक है, ताकि हमारा पाँव जो है, स्टूडेंट लाइफ में जब मैं स्कूल लाइफ में थी तब मेरे को हाथी पाओ का दवाई दिया था। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों दिए, ऐसा लगता था टीचर लोग पता नहीं क्या दवाई दे रहे हैं, मतलब गुस्सा आता है ना कि स्कूल में दवाई ये क्या है। ठीक, तो ध्यान दीजिए वो क्या है, फाइलेरियासिस है, कृमि जनित रोग का नाम फाइलेरियासिस। अब वो रोग कारक कौन है जिसकी वजह से होता है, तो याद रखना वाउचेरिया बैंक्राफ्टी। ठीक है, एक्चुअल में उसका नाम वाउचेरिया बैंक्राफ्टी ही होता है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले किसकी बात बोली मैंने, मैंने कहा 2 कृमि जनित रोगों के नाम बताइए। तो कृमि जनित रोगों के नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फाइलेरियासिस, पहला नाम को याद करो, फाइलेरियासिस कृमि जनित रोग होता है। उसके बाद आपको याद रखना है ये किसके वजह से होता है, तो ध्यान देना ये होता है आपका वाउचेरिया बैंक्राफ्टी के वजह से। वाउचेरिया बैंक्राफ्टी के वजह से कृमि जनित जो है रोग हो जाता है, पहला हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, एस्केरियासिस,
जब भी कृमिजनित रोगों की बात आई तो याद रखना ज्यादातर के लास्ट में आपको सिस ही मिलता है, ठीक है, चाहे वो फाइलेरियासिस की बात हो, चाहे वो एस्केरियासिस की बात हो, चाहे वो हो टीनिएसिस की बात हो, ठीक। तो दो से तीन नाम को याद रखना है, फाइलेरियासिस, ठीक है, फैल जाओ भाई साहब, फैलो, फाइलेरियासिस, ठीक है, कौन कर रहा है, कृमि कर देता है जो हमारे पेट में है, ऐसा याद कर लो कि हमारे पेट में क्या है, कृमि है और हमको क्या कर रहा है, फैला रहा है, तो फाइलेरियासिस, ठीक है। चलिए एस्केरियासिस, एस के साथ भी हमको रख रहा है तो एस्केरियासिस हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, अच्छा एस्केरियासिस का रोग कारक का नाम क्या लिखा है भाई, रोग कारक है एस्केरिस लुम्बिकोइड्स, ठीक है, लुम्बिकोइडिस टीनिया, बड़ा भयंकर सा नाम है, तो ज्यादा अच्छा इसको टुकड़ों में विभाजित करके याद रखें भाई साहब। इसको तो मैं अब ये नहीं कर सकती ना कि समझा दूं, याद तो रखना ही पड़ेगा, आपका नाम भी तो मैंने याद रखा हुआ है, आप लोग मेरा नाम याद रखते हो, तो फिर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको हमको टुकड़ों में, भाई आप देखे होंगे कि जो विदेश में रहते हैं लोग, उन लोग का नाम को देखना ऐसा, अब तो पहली बार सुने ऐसा लगता है ना, तो हमारे जो इंडिया वाले उनका नाम अलग ही होता है, और खासकर मैं छत्तीसगढ़िया लोग का तो टिकेश्वरी डालेश्वरी वरी 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 पता नहीं क्या वरी वरी लगा के रखे हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही नाम ज्यादा मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए भाई वक्त के साथ हम भी बदलते हैं और थोड़ा सा नाम को भी ऐसे ही याद रख लेते हैं। चलिए एस्केरिस लुम्बिकोइडिस लुम्बिकोइडिस टीनिया इसका नाम है एस्केरिस इसका, ठीक है। टीनिएसिस, टीनिएसिस का क्या है भाई, इसका रोग का कारक सोलियम है, क्या है, सोलियम। तो तीन चीजें हैं, तीनों का आप याद रखेंगे और दो नंबर का प्रश्न है, तो एटलीस्ट दो तीन याद रखो, ज्यादा अच्छा है, पेपर में आए तो दो नंबर का पूछा तो दो लिखो, दैट्स इट, खत्म करो यहां पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, ये देखो फाइलेरियासिस का कैसा दिख रहा है, फाइलेरियासिस हाथी पांव, हाथी पांव बोलते हैं ना, और ये फाइलेरियासिस को ज्यादा ध्यान देना कि ये मच्छर के वाइविक्स की वजह से होता है, इसको ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि ये पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। हाथी पांव ये देखो, ये है एस्केरियासिस क्रीमी, और ये है टीनिया सोलियम की बात कर रहे थे जो, ये है टीनिया सोलियम, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, मानव में होने वाले कोई दो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में बताया गया है, और बैक्टीरिया से होने वाले रोग के कारक के बारे में पूछा गया है। तो सब लोग पढ़े हुए हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हुए, 11वीं का भी ये प्रश्न है, तो 11वीं में भी ये पूछा जाता है। क्या लिखा है भाई, पहला जीवाणु जनित रोग क्या है, निमोनिया। हमको पता है बैक्टीरिया से निमोनिया होता है ना, कितनी सर्दियां जुकाम हो जाती है, अभी भी मेरे को थोड़ी सी सर्दी जुकाम लग रही है, तो ऐसा है नहीं मुझे निमोनिया, पता चला आप लोग ये बोलोगे मैडम आपको भी निमोनिया हो गया क्या, नहीं भाई मुझे हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए निमोनिया हो गया, ठीक है, जीवाणु जनित रोगों के नाम निमोनिया हो गया, और सेकंड क्या है आपका रोग का कारक क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ज्यादातर देखो जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, भाई साहब पूछ ही लिया कि जीवाणु जनित रोगों के नाम तो क्या बोलोगे, आपको पता तो होना चाहिए, भले आप 12वीं लेवल के हो, 11वीं हो, चाहे कॉलेज पढ़ो, कोई भी लेवल के हो, लेकिन आपको एटलीस्ट छोटी छोटी चीजों को, जैसे जीवाणु से, कवक से, ऐसी छोटी छोटी चीजों को याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मे बी घर पे भी ये चीज काम आ जाए, घर पे ही किसी को हुआ तब कैसे करोगे, पता तो होना चाहिए ना। चलो निमोनिया हो गया तो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, कोड़, ठीक है, कोड़ आपको सबको पता है, भी डायग्राम दिखाऊंगी तो समझ आ ही जाएगा, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला रोग है। तो याद रखो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, कोड़ क्या है आपका, माइक्रोबैक्टीरियम आपका लेप्री है, ठीक है। एंथ्रेक्स दो ही पूछा, लेकिन मैं तीन तीन डाल के रखी हूँ, ज्यादा ध्यान देना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और आया भी हुआ है 2021 में, तो याद रखेंगे। एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स होता है जो भी किसकी वजह से, जीवाणु के वजह से ही होता है, ठीक है। बैक्टीरिया सुन के मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, ठीक, आस पास ना हो जाए। चलो तो देखो भाई ये क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसके बारे में, निमोनिया के बारे में बात कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है, लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ध्यान रखेंगे, बच्चों में बहुत ज्यादा होता है निमोनिया रोग, सबको पता है, सबके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो देख लेना ज्यादा सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं लंग्स में बहुत ज्यादा डिवीजन होता है, संख्या बढ़ा लेते हैं और निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्या है भाई, ये है कोड़, ठीक है, और ये कोड़ को देखो तो फिर ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री की जब मैं बात करी तो यही वो बैक्टीरियम लेप्री, और ये है कोड़ जो हाथ ऐसे कोड़ की जैसे हो जाता है, पता है ना कोड़े पड़ गए क्या,
ऐसा पिक्चरों में जो दिखाता है ना इनको कोड़े हो गए हैं, तो ये वही वाला है, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है जो शरीर में चकते पड़ जाते हैं, फोड़े नुमा संरचना जो होता है शरीर में फोड़े के समान संरचना बना देता है, ये एंथ्रेक्स की वजह से होता है, एंथ्रेक्स रोग है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या भाई, नेक्स्ट जो आते हैं वो है क्या, कोई दो प्रोटोजोआ। अच्छा मैं जितने चाहे मैं जीवाणु की बात करूं, चाहे मैं प्रोटोजोआ की बात करूं, चाहे मैं कृमि की बात करूं, चाहे मैं कवक की बात, कोई भी यदि मैं रोग की बात कर रही हूं कि इससे होने वाले रोग से, तो सबको याद करना, कोशिश करना एटलीस्ट आपको पांच पांच याद होने चाहिए, ठीक है। और ज्यादातर जो पिछले साल के, जो पांच पांच साल के या छह छह साल के अंतराल में जो प्रश्न आया है उस पर ज्यादा फोकस करें। चलिए पहला प्रश्न क्या दिया भाई, पहला कह रही हूं थर्ड क्या है आपका, प्रोटोजोआ जनित रोगों के नाम क्या दिया है और क्या है इसके रोग के कारण, तो यहां लिखा है सीलियरी डिसेंट्री, ठीक है। पहला डिसीज जो है वो क्या है, प्रोटोजोआ से जो होता है, प्रोटोजोआ से होने वाले पहला डिसीज का नाम क्या है, सीलियरी डिसेंट्री। डिसेंट्री बहुत सुनोगे, पेट में होता है सबको पता है, ठीक है। तो ये होता है बेलेंटेरियम कोलाई की वजह से होता है, ठीक है। सेकेंड आते हैं जियोडिएसिस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा याद किया करो, ठीक है। जियोडिएसिस क्या होता है, जियोडिया इंटेस्टाइनेसिस के कारण होने वाला रोग होता है, ठीक है। काला अजार, ठीक है, वो वाला अजार नहीं है भाई, अजार है ना, छत्तीसगढ़िया में एक होता है ना अजार, ऐसा करके कुछ शब्द होता है, शायद किसी को डांटने के लिए शब्द यूज किया जाता है, मुझे अच्छे से याद नहीं, शब्द वही है, ठीक है। ये होता है लिस्मानिया डोनो आपके क्या है, वानी, ठीक है, लिस्मानिया डोनो वानी। अब ये मत करो भाई, डोल मत जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, चौथा प्रश्न आते हैं हम फिर से कि निम्नांकित मादक द्रव्य किस पौधे के उत्पादन है। अब कौन सा 2019 में आया है ये प्रश्न, और ऐसे प्रश्न भी ज्यादातर पूछा गया है। चलिए आते हैं क्या है भाई, मैरिजुआना और स्मैक के बारे में कुछ दिया गया है, तो फिर देखते हैं भाई क्या है भाई, मैरिजुआना मादक द्रव्य है, मादक सुन के एकदम खुशी आ रही होगी आप लोगों को, कह रहे पीने वाला बात कर दी क्या मैम, है ना, तो ध्यान वापस लाओ, वापस लाओ, वहां नहीं जा रही, हम यहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए मैरिजुआना जो होता है हेम्प पौधे के ऊपरी पत्ती और शुष्क पुष्पक्रम, ठीक है, हेम्प क्या है भाई, हेम्प पौधे है एक, उसकी पत्ती जिसका नाम क्या है, कैनाबिस इंडिका या सटाइवा के नाम से जाना जाता है, इस पौधे से मैरिजुआना जो कि एक मादक द्रव्य है उसको उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे हेम्प पौधा जिसको हम कैनाबिस इंडिका के नाम से जानते हैं या सटाइवा के नाम से जानते हैं, ठीक है, सटाइवा या कैनाबिस इंडिका, ठीक, पत्ती से ज्यादा, पत्ती से बनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्मैक, ठीक है, स्मॉक डॉन मत कर देना, स्मैक डॉन पता नहीं क्या होता है, स्मैक डॉन, स्मैक डॉन सबके मुंह से बहुत सुनती हूँ, पता नहीं क्या देखते रहते हो। चलो अफीम यानी कि पेपेवर सोमनी फेरम से ये बनाया जाता है, पेपेवर सोमनी फेरम अफीम, ठीक है। चलो ये क्या है आपका, मादक द्रव्य और उत्पादक पौधे। आप लोग सोच रहे होगे कि मैडम सिर्फ यहाँ पर नाम लिखी और बता बस रही है, तो आप ध्यान देना, मैं बताना ये चाह रही हूँ बेटा कि दो अंक का जब प्रश्न बनता है तो आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अभी आपका पेपर का समय है और पेपर के समय में जितना हो सके सिर्फ क्वेश्चन आंसर को खुद लिख करके प्रैक्टिस करो कि आप कितना लिख सकते हो, जो पूछा आप लिखते हो कि नहीं, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लिख रहे हो, नहीं, तो जो पूछा उस पे आप फोकस करें, एग्जाम्स के सीरीज के हिसाब से आप उसको तैयारी करते जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी आपको पूरा कहानी समझने का अभी समय नहीं, शॉर्ट मतलब बोलते ना स्मार्ट स्टडी यही होता है कि आप कम समय में कितने अच्छे से तैयारी कर सकते हो, तो क्वेश्चन आंसर जितना हो सके सॉल्व करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है भाई, पांचवा रोग के कारक बताइए। आप डिप्थीरिया का पूछा हुआ है 2019 में भी आया है और फाइलेरिया का, ठीक है, तो फाइलेरिया का तो सबको पता है, फिर से रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पर, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, और ये क्या है वाउचेरिया मैले, फाइलेरिया कृमि के कारण होता है, सबको पता है ये चीज। अब डिप्थीरिया नया हो गया, डिप्थीरिया किसके वजह से होता है भाई, कोरीने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, कोरीने, कोरोना मत पढ़ना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पता चला आपने बोल दिया कि मैडम कोरोना बोल रहे हो क्या, नहीं, हम वापिस आते हैं इसी में, कोरी नॉट गोरी, गोरी लोगों को नहीं बोल रही हूँ भाई, पता चला आप बोलो गोरी गोरी, नहीं, कोरी ने, ठीक है, क्या लिखा है, कोरी ने बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरिया, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ठीक है, डिप्थीरिया। तो ये है क्या, निम्नांकित रोग के कारक डिप्थीरिया और फाइलेरिया, जो पूछा वही मैंने लिख दिया, कोई मैंने उसके लक्षण नहीं लिखा, कोई मैंने ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ जो पूछा वही मैंने यहाँ पर
लिख दिया, ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रतिरोधकता क्या होता है। आपको ऐसे तो मैं पहले भी बताई थी, याद है कोरोना के बारे में जब बताई हूँ, मेरा लेक्चर देखे होगा तो सबको याद होगा, तो मुझे जरूर बताओ कि कितने लोग मेरा लेक्चर देख रहे हो। आप मुझे कमेंट जरूर किया करो भाई, क्या है उससे मेरे को थोड़ा सा एनर्जी आता है कि लगता है कि हाँ बच्चे भी मुझे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं दोगे तो फिर क्या मतलब इतना करने का। चलो आगे देखो, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने, ठीक है, और बचाव की क्षमता पाई जाती है। आपको पता ही होगा हमारे शरीर में, इम्यूनिटी पावर बनती है, सबको पता है ना, कोई भी आपके बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर खुद भी शरीर में क्या बनता है, इम्यूनिटी पावर होती है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है। और प्रतिरोधक क्षमता कौन बना रहा है, हमारे शरीर का सेल बना रहा है, बी सेल और टी सेल। बी सेल एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनाता है। तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है प्रत्येक जीव में, हर जीव में ऐसा होता है, ठीक है, रोगों से लड़ने और बचाव की क्षमता पाई जाती है। और जीवों के रोगों से लड़ने की इसी क्षमता को क्या कहते हैं, वो बोलते हैं बेटा प्रतिरोधकता कहते हैं। सबको पता है हमारे शरीर में क्या लगा दो भाई, कोरोना वैक्सीन, ठीक है। अब वैक्सीन नहीं लगाओगे तो उससे पहले भी ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया वायरस हमारे आसपास अभी भी नहीं है, बैक्टीरिया तो हर जगह है, सर, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं हमको अटैक ना कर पाए जल्दी से, उसी के लिए हमारे शरीर में पहले से ही प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित होता है, ठीक है, नहीं तो हम दिन भर बीमार पड़ते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्या है प्रश्न, सातवां है, वैक्सीन किसे कहते हैं। सबको पता है वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन, कभी पोलियो का वैक्सीन, कभी डीपीटी का टीका, कभी ये टीका वो टीका, बहुत लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैक्सीन क्या है, हमारे शरीर में जब जाता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में जैसे ही जाएगा, जैसे देखो ये एक औषधि है, सबको पता है एक औषधि है, ठीक है, किसे, रोग के कमजोर रोग कारक जीव होते हैं पहले से ही उस वैक्सीन में, जो हमारे देखो जैसे कोई वायरस मेरे अंदर आ गया, उसी वायरस से ही क्या करते हैं, एक वैक्सीन तैयार कर देते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। मान लो जाए मैं हूं, मैं बीमार हो रही हूं, तो ठीक है, जैसे कोरोना, अभी करंट का कोरोना का ही लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कोरोना ऐसा भी था कि बहुत वायरस की वजह से होता था, हम उसी का ही एक वैक्सीन तैयार कर दिया, और जब भी हमको वो अटैक करेगा तो हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है, यानी कि बी सेल को ये पता चल जाएगा या टी सेल को पता चल जाएगा कि मेरे अंदर तो ये भाई साहब पहले से ही एंटर किए थे, है ना, तो अब मेरे अंदर इसको पहचानने की क्या हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी, और उसको पहचान करके जल्दी से क्या करेगा, खत्म कर पाएगा डिशुम डिशुम करके, ठीक है। तो ये क्या है आपका, वैक्सीन होता है। चलिए तो क्या लिखा है भाई, किसी रोग के कमजोर रोग कारक जीव होते हैं तथा उसका उपयोग रोग के प्रति, मुझे डिसीज हो उसी के प्रति प्रतिरोधकता, इसीलिए इसको प्रति एंटी बोलते हैं, ठीक है, प्रतिरोधकता को उत्पन्न करने में किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वैक्सीन कहते हैं, समझ आ रहा है। वैक्सीन बहुत डिटेल में भी है, इसको आगे चल के फिर से और बताने वाली हूं मैं, फिलहाल तो अभी इतना ध्यान रखिए, अगर शॉर्ट नोट्स में आया तो कितना लिखना है, ठीक है, जैसे पोलियो वैक्सीन हो गया, कोरोना वैक्सीन चाहो तो लिख सकते हो। आठवां प्रश्न क्या है, इंटरफेरॉन, ये भी सेम उसी की तरह है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हमारी कोशिकाओं से बने ऐसे प्रोटीन, हमारी ही कोशिकाओं से ये प्रोटीन बनते हैं, इंटरफेरॉन क्या करता है, जो वायरस आते हैं, वायरस के बेसिकली ये वायरस के लिए ही होता है, ठीक है, वायरस तथा दूसरे पदार्थों के कोशिका में प्रवेश करने से बनते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेरॉन कह देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये रोगाणु तथा विषाणुओं के प्रभाव को क्या करेंगे, इसी को नष्ट कर देते हैं। और ये प्रोटीन है, इंटरफेरॉन क्या है, एक्चुअल में ये एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, ठीक है, और यही प्रोटीन जो होता है, जो भी आपके वायरस है या कोई भी बाहर का जो भी पदार्थ है जो आपके शरीर को हानिकारक पहुंचाता है, उसको नष्ट करने का ही ये कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, लास्ट है, नौवां जो प्रश्न है, नस्ल क्या है। नस्ल बहुत सुने होंगे, गाय की देसी नस्ल, विदेशी नस्ल, देसी टमाटर, विदेशी टमाटर, बहुत सुनते हो, नस्ल है क्या है, नस्ल, तो क्या चीज है भाई। तो यहाँ पर नस्ल शब्द से क्या अभिप्राय है, और उसको देश पूछा गया है 2019 में, जब आएगा तो आपको क्या लिखना है पेपर में वो ध्यान दीजिए। क्या लिखोगे भाई, नस्ल यानी कि ब्रिड क्या होता है, जंतुओं का ही समूह होता है, पहली बात तो ये है, और जिसके सदस्य कद काठी रंग रूप व अन्य आकार की लक्षणों में समान होंगे, उनके पूर्वज के परंपरा के होंगे, जैसे होता है ना, देखो
क्या होता है, एक अच्छी गाय की जो नस्ल होती है वो आने वाली संतान को भी अच्छी वाले ही नस्ल को देगा, उसकी संतान अच्छे नस्ल को देगा, अच्छा नस्ल होगा तो दूध भी बढ़िया आएगा, है ना। वो गाय जो है दूध देती है, उसके अंदर कोई भी डिसीज को लड़ने वाली अच्छी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती, तो ऐसे गाय को तो हर कोई रखना चाहेगा। भाई मेरे पास भी ऐसी गाय है जो अच्छी नस्ल वाली है, दूध बढ़िया दे रही है और उसके अंदर कोई भी रोग वोग जल्दी से नहीं आ रहे, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी से बनी हो गई, तो वो अच्छा है ना। तो ऐसे नस्ल को क्या करते हैं, पैदा करना जरूरी है, तभी तो आगे की इन फ्यूचर के लिए वो काम आएगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि नस्ल क्या होता है, तो एक समूह होता है जंतुओं का और जिसके जो है रंग रूप कद काठी एक समान होता है, मतलब पूर्वज के समान ही होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नस्ल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया इसका उद्देश्य क्या है, क्यों रखोगे आप बताओ मुझे, अच्छा नस्ल का क्यों रखोगे आपके घर में, यदि गाय है, गाय बढ़िया गोबर दे रही है, क्यों रखते हो गाय, ठीक है, क्यों रखते हो, ताकि वो अच्छे से दूध देती है, पशु उत्पादन जो भी है, हम दूध से बहुत सारी चीजें बनाते हैं सबको पता है, तो अच्छा उत्पादन को बढ़ाने के लिए, है ना, अच्छे वांछित गुणों में सुधार करने के लिए, रोग प्रतिरोधी पशुओं का विकास करने के लिए, ठीक है। और क्या है आपके अधिक व्यापक क्षेत्र, मतलब व्यापक स्तर पर भी इसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था आज का आपका क्या, आज का था ये पूरा दो अंक का जो प्रश्न बनता है यहां, तो आज का ये था दो अंक का जहां जहां से प्रश्न बनता है वो हमने पूरी बात कर ली। आगे के लेक्चर में हम तीन अंक के प्रश्नों की बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे, डिसीज के बारे में दिखाते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इतनी चीजें आज के लिए काफी है, ठीक है। तो चलिए भाई मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद, आगे का लेक्चर मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाली हूँ तीन अंकों प्रश्नों के साथ में, धन्यवाद।